अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? तो आज हमारी तैयारी है दुबई मॉल के लिए, और कई दफ़ा जा चुके हैं, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है ना कि बहुत दिल कर रहा होता है कि हर चीज़ डिटेल से हम लोग देखें। तो यहाँ पर जो है ना, हम लोगों ने टैक्सी मंगाई और फिर जो है ना सब बच्चे और हम बैठ गए, और ये सनसेट कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है दुबई में। और दुबई मॉल जो है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है ना शॉपिंग की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत महंगी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि इन्जॉयमेंट जो है ना फुल इन्जॉयमेंट होती है। खाना पीना अच्छे से हो जाता है वहाँ पर, बैठने की जगह मतलब ये है कि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, और वॉक वॉक तो ऐसी हो जाती है ना कि बस। तो हम लोगों ने सोचा कि आज जो है ना खूब हम लोग इन्जॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग जा रहे हैं, और ये जो मैंने पिक्चर्स क्लिप्स ली हैं, तो ये मेरी बहन मुझे कह रही थी कि आप लोग तो घूमते फिरते हो और मेरे लिए पिक्चर भी नहीं सेंड करते। तो मैंने कहा कि मैं आपको जो है ना आज दुबई की ईंट ईंट की जो है ना पिक्चर मैं आपको सेंड करूँगी। दुबई में है ही क्या, बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। तो बस मैं क्लिप पे क्लिप बना रही थी, उनको सेंड कर रही थी, आखिर में उन्होंने खुद ही बोल दिया कि बस सारा दुबई देख लिया, अभी बस करो। तो ये है हाल, काम भी होते रहते हैं, ऐसे नहीं है कि काम नहीं होते। तो काम होते रहते हैं, तो कभी कभार जो है ना जब इंसान थक जाता है या ऐसे काम हो जाते हैं कि दिल करता है कि आज जो है ना बहुत अच्छे से इंजॉय किया जाए, तो फिर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि बीच पे जाया जाए या कहीं और। सॉरी, तो इसलिए जो है ना हम लोगों ने दुबई मॉल चूज़ किया। और शॉपिंग के लिए मैंने पहले से बोल दिया था कि शॉपिंग किसी ने भी नहीं करनी, क्योंकि वही चीज़ें जो है ना जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर नज़दीक जो मैक्स है, स्प्लैश है हमारे नज़दीक, और ब्रांड फरलेस, और बहुत कुछ है उसमें, बहुत अच्छा सस्ता मिल जाता है, मतलब ब्रांडेड चीज़ें भी हैं और बहुत कम कीमत में मिल जाती है। और दुबई मॉल में क्या होता है कि वहाँ पर जो है ना अगर एक चीज़ 50 की मिल रही है तो वो आपको 100 की मिलेगी। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं और हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने आज डिसाइड किया था कि हम लोग चाइना टाउन से स्टार्ट करेंगे, दुबई मॉल में जो चाइना टाउन है, तो बस वहाँ पर जाएंगे। कुछ लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, मैं जो है ना चेक करती हूँ, कुछ लोगों ने ऐसा मुँह बनाया होता है मतलब बहुत बोर इंसान, और कुछ लोग जो है ना अच्छे से इंजॉय करते हैं। एक्चुअली में जगह ऐसी है कि पूरी फैमिली साथ में हो, बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है ना हम लोग जा रहे थे, और ये जगह देखी थी। दिस इज चाइना टाउन, दिस इज मोमोसो। दुबई मॉल जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत मतलब इंसान थक जाता है कि कहाँ से जो है ना सर चाइना टाउन, कहाँ से जो है ना एग्जिट। बहुत सारे सर द टूर चाइना टाउन, दुबई मॉल चाइना टाउन घूम रहे होते हैं, एग्जिट राउंड। लेकिन ये है कि एक दफ़ा आपको पता चले टूल मेकअप सामान होता है, और बोर्ड पे सारा कुछ जो है ना मेंशन किया होता है, तो आप आराम से जो है ना जा सकते हो, अगर थोड़ा सा जो है ना आपको। और इस तरह जो है ना हम बहुत शॉप में पहुँचे, मेकअप का पूरा सामान पड़ा हुआ था। ये जो है चाइना टाउन, हैरी पॉटर नाश्ता खुनीनो, और बस मेकअप का सामान जो है सारे सामान था वो हम लोग ड्रैगन कैफे दो ज़्यादा अच्छा। मैं सोच रही थी क्यों पाकिस्तान में जो है लो क्वालिटी का जो है सामान भेजा जाता है, यही जो है मीसो जिमी बॉब और सारे ब्रांड्स वहाँ पर भी मौजूद हैं, लेकिन बराए कुछ भी वो चीज़ नहीं है। ड्रैगन कैफे दुबई मॉल सादिये है तो डेरा गिलाव अकड़ा का ना छ तुसे खुना पिक्चर अरला छ नचर ला छ वहां पर भी ये हां दाइने छ जो पेडा का को हमारे लोगों आई लव दुबई जैसे बनवा रहे यहां पर आई लव दुबई लिखा हुआ था, और सब जो पिक्चर्स ले रहे थे,
और हम लोगों ने भी पिक्चर ली, बहुत मज़ा आया क्योंकि यहाँ पर साइड पे गेम्स वगैरह लगे हुए थे। और एक बात मैंने नोटिस की कि जहाँ पर हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती थी, तो ये गेम्स के लिए मेरे बच्चे आ गए, उन्होंने कहा कि चलो मामा ट्राई करते हैं ये जो है ना, ये जो टॉयज़ पिक करते हैं ना, तो इस पे हमारे ने ट्राई किया। और हमारा जो है ना बहुत मतलब शार्प माइंड का है ना, तो फौरन से ही उन्होंने अपने लिए खिलौना जीत लिया। और शर्मा भी रहा था, मशीन के मुकाबला ऐसे बहुत ऐसे पकड़ा हुआ था, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत इंजॉय करना चाहिए। ये 10 दिरहम पे जो है टिकट था, और 10 दिरहम जो है 10 कॉइन्स आप लोगों ने डालनी होती थी, और 10 कॉइन्स के साथ ही आपको गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे। इसमें काफ़ी सारे गिफ्ट जो है ना लगे हुए थे। अब अंदर मुझे नहीं था पता कि अंदर क्या क्या गिफ्ट रखे हुए थे, बट 10 दिरहम आपने पे करना था। इस गेम के लिए आपने 20 दिरहम पे करना था, ये जो जिस पे लगे हुए हैं। तो ये था, और दूसरा ये कि बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी और इतने बच्चे आ गए थे, इतने लोग आ गए थे, सब जो है ना खेल रहे थे। तो दुबई मॉल में ऐसे भी होता है कि कहीं पर जो है, अब एक जगह पर हम लोगों ने चेक किया तो बहुत मतलब 159 दिरहम आपने पे करने होते थे, और फिर जो है ये कहने लगे, लेकिन बहुत कम कीमत पर हम लोग जाते हैं, सिर्फ चेकआउट करना होता है उसके काम में देता है। मतलब मेरा मतलब ये है कि इंजॉय करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इस साथ आप जो है ना सिर्फ एक किलोमीटर के लिए जो है 10 दिरहम बहुत मुनासिब जो है ना, इंजॉय भी कर लेते हैं। और ये जो टॉय मिला था हमें, तो ये भी 105 का या 9 का मिला था। अब ये हॉन्टेड हाउस में हम लोग आ गए थे, अंदर हम लोग नहीं गए, बट ये है कि वो चीखे वगैरह नज़र नहीं सुनाई पड़ रही थी कि अंदर जो है ना लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, तो ये जो है ना सब इंजॉयमेंट यहाँ पर हो रही थी। हुरिया ने मुझे बहुत बोला कि मैं भी अंदर जाती हूँ, लेकिन उसको मैंने याद दिलाया जब ये छोटी थी तो उनके स्कूल में एक हॉन्टेड हाउस लगा हुआ था, और वो अभी भी याद करती है कि मामा मुझे किसी जिन ने पैर से पकड़ा था तो वो बात मैंने उनको याद दिलाई। और यहाँ पर जो है ना पूरा दुबई का मैप जो था ऊपर टॉप पे बना हुआ था, जितना दुबई मॉल और तो ये टॉप पे जो है ना ऐसे सीलिंग पे नीना और हर सौदा खाना ना खाए, ये यहाँ पर वो तो सिंपल कुछ डोनट्स वगैरह। मुझे नहीं पता कि इन लोगों को ये डोनट्स क्यों इतने अच्छे लगते हैं, मतलब हर जगह पे डोनट लगे होते हैं, हर जगह पे डोनट लगे होते हैं, इतना इनको शौक है स्वीट्स खाने का। तो अच्छे हैं, हम पाकिस्तानी मेरे ख्याल में सिर्फ गुलाब जामुन वगैरह खाते हैं हम इंडियन और पाकिस्तानी, और इनके हाँ डोनट्स ही डोनट्स, कुकीज़ ही कुकीज़ लगी होती हैं। फूड कोर्ट आए हम लोग, और फूड कोर्ट में जो है ना मतलब ऐसा ब्रांड नहीं है फूड का जो अवेलेबल ना हो, बस आपकी मर्ज़ी है कि कहाँ पर आपने बैठना है, कहाँ से आपने पिक करना है, हर चीज़ हर चीज़। अच्छा, इस दफ़ा मैंने बॉम्बे चौपाटी भी देख लिया, बॉम्बे चौपाटी भी उसमें था, मतलब जॉलीबी, केएफसी, मैकडोनल्ड, सबवे, ऐसा कोई नाम हो जो आप लें और वहाँ पर मौजूद ना हो। और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पर चेयर्स लगी होती हैं, बैठने के लिए जगह होती है, इतना मज़ा आता है बैठ के और आराम से इंसान खा लेता है। फिर हम लोग जो है ना लिप टिंट की तरफ आ गए, और लिप प्लम्पिंग जो टिंट होता है उसकी तरफ, तो वो जो वहाँ पर सेल्स गर्ल थी वो मुझे कह रही थी कि नहीं नहीं आप लगा लें, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हल्की सी टिंगलिंग होती है और ऐसे, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि बतख की तरह मेरे होंठ निकल आए, अब क्या करूँगी होंठों का क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ें यूज़ नहीं की। और वो जो है ना मिल रहा था 62 दिरहम का, और बाद में जब मैंने हल्का हल्का यूज़ किया तो वो जो है बहुत अच्छा था, क्योंकि सिफोरा में मैंने बाद में इसका पूछा, वो उससे पतला भी था, बहुत छोटा था, उसमें बहुत बहुत हल्का मटेरियल था उसमें, और सिफोरा में मिल रहा था 192 का, तो इतना महंगा सिफोरा में मिल रहा था, और यहाँ पे 62 दरम में काफ़ी बड़ी बॉटल जो है ना मिल रही थी। और पाकिस्तान में मैंने बहुत इसका पूछा था, लेकिन पाकिस्तान में मिलता नहीं था पहले,
और अब तो मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे मिलता होगा नहीं मिलता होगा, लेकिन मैं आपको ईजी मिल जाता है, बहुत अच्छा था, पसंद आया। नेक्स्ट टाइम मुझे उनके पास कुछ कलर से मतलब ये कि एक शाइनिंग सी उस पर होंठों पे आ जाती है और हल्के से जो है ना प्लम्पी लगने लगते हैं। तो ये जो है ना ये है सिफोरा, और सिफोरा में इतना महंगा मेकअप, मतलब क्या है इसमें। और लिटरली मेरे पास जो मेकअप पड़ा हुआ है ना, मैं तो हैरान परेशान थी कि मेरे पास सारा ब्रांडेड मेकअप पड़ा हुआ है, या तो बहन ने दिया होता है यूके से जब आती है तो दे देती है, या फिर कोई गिफ्ट वगैरह दे देता है। तो मेरे ख्याल में जो है ना जो भी यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट इनके हुए थे और लगे हुए थे, तो मैं हुरिया से कह रही थी कि ये सारा कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है, इतना अच्छा अच्छा पड़ा होता है। और ये कि यहाँ पर जो है ना बहुत महंगा मिलता है, इतना फिर मुझे ज़रूरत भी नहीं है। हल्का सा फेस पाउडर, हल्का सा फाउंडेशन और आईलाइनर, एक लिपस्टिक, दैट्स इट, ये है मेरा मेकअप। और इसके अलावा जो है ना ज़्यादा मैं थोपा तापी जो है ना नहीं करती। तो फिर जो है ना हम लोग एक्वेरियम की साइड पे आ गए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ना ढूंढ ढूंढ के चीज़ें देख रहे थे, बस जहाँ पर पहुँच रहे थे वहाँ पर इंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे, और बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत खुशी मिलती है कि अल्लाह पाक ने जो है ना इतना हमें नवाज़ा है कि हम अपने बच्चों को खुशियाँ दे रहे हैं, तो बहुत खुशी मिलती है इस बात से। और अल्लाह पाक हमारे रिज़क में बहुत इजाफ़ा करे, अल्लाह पाक आप लोगों के रिज़क में इजाफ़ा करे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन्जॉय करें, अपने बच्चों पे लगाएं, अपने बच्चों पे बहुत सारा खर्च करें, मेरी वीडियो खुद ज़रूर देखें, इन्जॉय करें हर चीज़। और ये है कज़न बुराक, कज़न बुराक की शॉप पे गए और